street legend. I have nothing to lose. Nothing can stop me. I'm all the So hello guys, welcome back to my channel DC Vlogs. और मैं आज लेके रिव्यू लेके आया हूँ Duke 125 का. जैसे आपने मेरी NS 125 वाली वीडियो पे बहुत प्यार दिया था, बहुत अच्छे रिव्यूज आए थे उसमें. सो मैं आज इसका रिव्यू ले आया हूँ. सो चलो चालू करते हैं इसके रिव्यू को. इसके इंजन पे जो कि सिंगल सिलेंडर फोर वेल लिक्विड कूल इंजन और जो कि प्रोड्यूस करता है 14.5 पीएस एट 9250 आरपीएम और इसका मैक्स टॉर्क है 12 एनएम एट 8000 आरपीएम. और हम बात करते हैं इसके टैंक पे जो कि है 11 लीटर्स का और टैंक से सीधा नीचे आएंगे तो हमको मिलेगी सीट जो कि ऑफकोर्स सब गाड़ी में मिलती है. सीट हाइट इसकी है वो 18 mm. अब आ जाते हैं इसकी रियर प्रोफाइल पे जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ग्रैब हैंडल. उसके नीचे आपको रियर आपको टायर की तरफ आ जाएंगे तो आपको टायर जस्ट उसके नीचे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे टायर हगर देखने को मिलेगा. टायर प्रोफाइल आपको मिल जाएगी यहाँ पे 150/60 R17 और आपको यहाँ पे बहुत सही ब्लैक फिनिश में अलॉय देखने को मिलेगा. दोनों ही आगे पीछे आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी सिंगल चैनल ABS. अब आते हैं आगे के टायर में तो इसकी टायर प्रोफाइल आगे की जो है वो है 110/70 R17 और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी विद सिंगल चैनल ABS दोनों तरफ ही है. और अब अब आ जाते हैं इसकी फ्रंट साइड पे जो कि आपको इसी के ऊपर आपको देखने को मिलता है डिजिटल मीटर. सब अब आते हैं इस पर आपको यहाँ पे दिखेगा कि दिखाए किल स्विच, तो इसका मतलब किल स्विच ऑफ है. इसको ऑन कर लेते हैं. अब आपको दिखाएगा कि साइड स्टैंड डाउन, इसका मतलब साइड स्टैंड में भी एक सेंसर दिया है जो कि आपको दिखाता है. इस गाड़ी में फ्यूल नहीं है क्योंकि वो शोरूम की गाड़ी है तो फ्यूल इतना रहता नहीं है. और आपको यहाँ पे फ्यूल यूज मिल जाएगा, आपको गियर का इंडिकेशन मिल जाएगा, आपको स्पीड इंडिकेशन मिल जाएगा, RPM. आप यहाँ से मोड चेंज कर सकते हैं, एक्चुअल किलोमीटर रन. अभी तो कुछ चली नहीं है गाड़ी. आपको यहाँ न्यूट्रल का मिल जाएगा, इंजन सेंसर मिल जाएगा, ABS सेंसर है. आपको इंजन में कोई दिक्कत होगी तो इसके लिए ये सेंसर है. आपको यहाँ पे स्विच मिल जाएंगे जो कि अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं. और सो अब मैं आपको इसकी सीट बैठ के दिखाता हूँ. मेरी हाइट है 5'7". सो आप देख सकते हो मैं कितना कंफर्टेबल बैठ गया हूँ. और आपको मैं इसका गाना सुना देता हूँ. बहुत लाउड है और अच्छा भी साउंड करता है. सो अब हम नीचे आ गए हैं क्योंकि ऊपर वाली गाड़ी में पेट्रोल नहीं था और आपको साउंड सुनाना था. सो चालू करते हैं. सो जैसा कि आपने पूरा वीडियो देखा Duke 125 का, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं. थैंक यू गाइस. इस वीडियो को भी वैसे ही प्यार देना जैसे आपने NS वाली वीडियो को दिया था. थैंक यू. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.